हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियांजलि कॉर्नर में। मैं प्रियांजलि आपके लिए हाजिर हूँ एक नई रेसिपी लेकर जो कि सिर्फ 5 मिनट में बनती है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने इस वीडियो में मखाने का खट्टा मीठा रायता। जी हाँ फ्रेंड्स, मखाने का खट्टा मीठा रायता जो जिसको बनाने में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके घर कोई अचानक से मेहमान आ गया है और आप उसको बोरिंग सा वो बूंदी का रायता या सिंपल कर्ड सर्व नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज मेरी इस रेसिपी को जरूर फॉलो करें। इसको मेरी रेसिपी को आप जरूर फॉलो करें और बनाकर देखें। बहुत ही इजी है बनाना, इसको सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएं। फ्रेंड्स, ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मखाने का खट्टा मीठा रायता बनाने के लिए हमें चाहिए दही। मैंने 1.5 कप दही लिया हुआ है। थोड़े से मखाने लिए हुए हैं 15 से 20 जो कि मैंने काटे हुए हैं। अनार के दाने, आधा अनार लिया हुआ है, ये करीब 1 कप अनार के दाने होंगे। बारीक कटी हुई हरी धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मसालों में मैंने लिया हुआ है काला नमक, सफेद नमक, रायता मसाला और भुना जीना जीरा पाउडर। आप नमक स्वादानुसार ही इस्तेमाल करिए, जैसा कि आपको टेस्ट में आपको जैसा ठीक लगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि झटपट से आप कैसे मखाने का रायता है, खट्टा मीठा रायता ये तैयार कर सकते हैं। बड़े बर्तन में हम दही ले लेंगे और इसको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे चम्मच से, आराम से ये फिट जाएगा। फेंटने के बाद ये थोड़ा क्रीमी और स्मूथ हो गया है। इसके बाद हम इसमें अपने मसाले, ये जो सभी मसाले मैंने रखे हुए हैं ये ऐड करूंगी। ये सभी मैं इसमें डालूंगी। जो इसमें मैंने आधा छोटा चम्मच काला नमक लिया हुआ है, 1 छोटा चम्मच सफेद नमक, भुना हुआ जीरा 1 छोटा चम्मच लिया हुआ है और मैंने रायता मसाला 2 चुटकी लिया हुआ है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। इसके बाद अब मैं इसमें जो मैंने मखाने पहले से काट के रखे हुए हैं वो ऐड करूंगी। इसको ऐड करने के बाद अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। मखाने मिक्स करने के बाद अब इसमें हम अनार ऐड करेंगे, अनार के दाने और साथ में अपना हरा धनिया और हरी मिर्च। अब हम इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। मिठास के लिए इसमें अनार के दानों का प्रयोग किया है। आप चाहे तो इसमें 1/2 टीस्पून शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ अनार के दाने लिए हुए हैं। मखाने और अनार के दाने से ही आप झटपट तैयार कर सकते हैं। हमारा मखाने का खट्टा मीठा रायता बिल्कुल तैयार है बनकर सर्व करने के लिए। ये आप अपने गेस्ट को जरूर सर्व करें और खुद भी ट्राई करें। बहुत इजी रेसिपी है और यकीन मानिए बहुत टेस्टी भी है। और अगर आपको ये मेरी झटपट रेसिपी पसंद आती है, मखाने का खट्टा मीठा रायता, तो जरूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।